हेलो गाइस, वेलकम टू द वीएस किचन। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही इजी तरीके से चिकन पट्टी समोसा। चिकन पट्टी समोसा इसलिए हम नाम दे रहे हैं क्योंकि हम कोई भी आटा घर पर गूंथने वाले नहीं है समोसे का। यहाँ पर हमने ली है समोसा पट्टी, ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी, बहुत सारी कंपनी की आती है। पट्टी के साथ हमने आपको कीमा समोसा भी बताया हुआ है बहुत ही आसान तरीके से, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पर क्लिक करके हमारा कीमा पट्टी समोसा भी देख सकते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं चिकन समोसा। तो हमने यहाँ पर लिया है 50 ग्राम चिकन, जिसको हमने अच्छे से धोकर उबाल लिया है। अगर आपके पास बचा हुआ चिकन भी है आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने लिया है पैन, गैस की फ्लेम को लो रखा हुआ है। इसके अंदर हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच ऑयल और ऑयल को हम गर्म कर लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है तो इसके अंदर हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून जीरा। जीरे को हम अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जीरा भून चुका है, इसके अंदर हम डाल देंगे 1 मीडियम साइज की प्याज, जिसको हमने कट कर लिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और प्याज का कच्चापन दूर होने तक हम इसको भून लेंगे। गैस की फ्लेम को अभी भी हमने एकदम लो रखा हुआ है। तो यहाँ पर हमारी प्याज का कच्चापन निकल चुका है, आप देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे हमारा चिकन। उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे मसाले, जिसके अंदर हम डाल देंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि हमने उबलते टाइम तो नमक नहीं डाला है, अगर उबलते टाइम नमक डाला है तो यहाँ पर हम नमक को कम कर देंगे, यानी कि नमक की क्वांटिटी को हम कम करेंगे। इसके बाद हम डाल देंगे हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, आप चाहे तो इसके अंदर हरी मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर का यूज़ कर रहे हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये सारी चीजें अच्छे से पक चुकी हैं। अब हम इसके अंदर डाल देंगे हरा धनिया, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम अपनी स्टफिंग को ठंडा कर लेंगे जिससे हम इसकी अच्छे से फिलिंग कर सके। तो यहाँ पर ली है हमने पट्टी, आप देख सकते हैं कितनी पतली पट्टी है ये। तो चलिए समोसा बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरीके से इसको मोड़ देंगे, उसके बाद इस कोने से लेकर उसको इस तरीके से यहाँ पर अटैच करेंगे। तो अटैच करने से पहले हम यहाँ पर थोड़ा लगाएंगे घोल। तो यहाँ पर हमने ली है मैदा, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालकर एक घोल तैयार कर लिया है। इस तरीके से इसको चिपका देंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके अंदर हम करेंगे फिलिंग भी हमारी काफी अच्छे से ठंडी हो चुकी है। कमियां ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब हम इसको करेंगे बंद। तो इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा इस तरीके से पेस्ट लगा लेंगे मैदा का, इसको अच्छे से प्रेस करते हुए बंद कर देंगे और यहाँ लेके आ जाएंगे। अभी जितना भी पार्ट बचा है इस पे भी हम अच्छी तरीके से मैदा के घोल को लगा लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा तिकोना समोसा बनकर रेडी हो चुका है। तो इसी के जैसे हम सारे समोसों को तैयार कर लेंगे। Thank you.
यहाँ पर हमने सारे समोसे को तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम इनको करते हैं फ्राई। तो फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पर लिया है ऑयल। ऑयल काफ़ी अच्छा हमारा गर्म हो चुका है। गैस की फ्लेम को हाई टू मीडियम के बीच में रखेंगे और एक एक करके डालते हुए हम इनको अच्छे से कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ चुका है समोसों का। हमें यही कलर चाहिए था। तो अब हम इनको निकाल लेंगे। जितना भी एक्सेस ऑयल है हम इसको कढ़ाई में निकाल देंगे और इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो अब हम इनको प्लेट में सर्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने चिकन समोसों को प्लेट में सर्व कर लिया है। आपने देखा कि इनको बनाना कितना ईजी है। बहुत ही आसान तरीके से जब आप बनाएंगे तो इजीली बहुत ही आसान तरीके से ये आपसे बन भी जाएंगे। तो अगर आपको हमारी यह चिकन समोसे की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और हमारे चैनल द वीएस किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।